सब क्या कर रहा है? चुपके से लड़कियों की फोटो निकाल रहा है? नहीं नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं चुपके से फोटो नहीं निकाल रहा था सर। मैंने अपनी आंखों से देखा तू यहाँ चुपके से फोटो निकाल रहा था। ला फोन दिखा। ये फोटो नहीं है तो क्या है? सर सर आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। सर ये मैं अपनी मर्जी से नहीं निकाल रहा था सर, मुझे मैडम ने कहा था फोटो निकालने के लिए सर। तुम जैसे लोगों की वजह से ही होटल का नाम खराब होता है। मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। पहले लड़कियों की फोटो निकालते हो और फिर उसे ब्लैकमेल करते हो। नहीं नहीं सर, सर आप गलत समझे सर। सर मैं चुपके से फोटो नहीं निकाल रहा था सर। सर प्लीज़ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करिए सर। सर सर आप एक बार मैडम से चल के पूछ लीजिए सर। सर आपको सब पता चल जाएगा सर। प्लीज़ प्लीज़ एक बार चलिए सर। हर चोर पकड़े जाने के बाद यही बोलता है। तुम तो अपनी घर की औरतों के साथ भी यही करते होगे। जब वो नहाने जाती होगी तब। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? एक तो सच बात बोली तो कड़वी लग गई, ऊपर से आकार दिखा रहा है। चल तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। सर एक बार आप मैडम को बुला के पूछ तो लीजिए सर। अच्छा हुआ मैडम आप आ गई। ये लड़का चुप चुप के आपकी फोटो निकाल रहा था क्या? मैडम आपने मुझे कहा था ना आपकी फोटो निकालने के लिए, और सर बोल रहे हैं कि मैं चुप चुप के आपकी फोटो निकाल रहा था। हाँ ये सही कह रहा है, मैंने इसे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बोला था। ये आप क्या कह रही है? एक्चुअली मुझे अपने कुछ पिक्चर्स क्लिक करवानी थी, आसपास कोई दिख नहीं रहा था तो मैंने अपना फोन इसे दे दिया और पिक्चर्स क्लिक करने के लिए बोला। चुपके से फोटो क्यों निकाल रहा था? ये छुप छुप कर नहीं निकाल रहा था, इसे कैंडिड फोटोग्राफी कहते हैं। ऐसा करने के लिए मैंने ही इसे बोला था। हाँ, अब तो पता चल गया ना सर आपको, आप बेकार में मुझ पर शक कर रहे थे। I'm sorry मैडम, ये आपका फोन। थैंक यू। जी मैम। I'm sorry. मुझे माफ़ कर दो, मैंने खामखा तुम पर शक किया। कोई बात नहीं है सर। ठीक, थैंक यू।